बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। इतने सारे और इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं आप सब, कोशिश करती हूँ कि सबके कमेंट्स का रिप्लाई कर पाऊँ, लेकिन कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी हैं जिनका रिप्लाई शायद अगर कमेंट सेक्शन में करती तो शायद उतना क्लियर नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना लेते हैं जिससे सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपके रिप्लाई भी मिल जाएंगे आपको। तो चलिए देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि मैं पूजा पाठ करती हूँ या नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल मैं भी पूजा पाठ करती हूँ। जितना बिलीव आप करते हैं गॉड में उतना ही बिलीव मैं भी करती हूँ, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है उसको याद करने का, उसको थैंक्स करने का। तो अगर बात करें दियाबाती वाली पूजा की, तो वो काम मेरी मदर इन लॉ करते हैं। वो सुबह शाम बहुत पूजा पाठ करते हैं, पूजा घर में बहुत सारा समय बिताते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई डू मेडिटेशन, क्योंकि मुझे लगता है कि दियाबाती वाली पूजा करते हुए अगर मेरा जो ध्यान है वो किचन के किसी काम में है या बाहर की किसी आवाज़ में है, तो मैं सिर्फ एक फॉर्मेलिटी भर कर रही हूँ उसको याद करने की। तो उससे बेटर है कि मैं मेडिटेशन करूँ। ध्यान एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको अपने आप से मिलाता है। जिसने हमें ये बॉडी दी है उसने इसके अंदर ही न जाने कितना कुछ सुनने के लिए और देखने के लिए दिया है, जिसका एक्सपीरियंस मेडिटेशन करने से ही होता है। हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी पहचान खुद से होने लगती है और हमारा सोचने का तरीका यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। हमारे रिलेशनशिप अच्छे होने लगते हैं, इवन कि नेगेटिव पीपल से कैसे डील करना है वो भी समझ आ जाता है। तो बस और क्या चाहिए, जिंदगी सुंदर बन जाती है और उसके दिए हुए जीवन की हम कद्र करने लगते हैं। तो बस यही पूजा है, यही पाठ है। बाकी ओकेजनली या फेस्टिवल्स पे हम पूरी फैमिली मिलके पूजा घर में पूजा करते हैं, जैसे हमारी मॉम कहती हैं, जो रिचुअल्स वो निभाने के लिए कहती हैं वो हम सब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप सब जानना चाहते हैं कि मेरी हेल्थ को मैंने हमेशा ऐसे ही मेंटेन रखा है या कभी मैं ओवरवेट भी थी। तो ये बात मैं पहले भी शायद एक दो वीडियो में बता चुकी हूँ कि वेट लॉस और वेट गेन का जो गेम है वो मेरे साथ शुरू से ही चलता रहा है। तो बहुत बार मैं ओवरवेट हुई हूँ, बहुत बार मैंने अपना वेट लूज़ भी किया है। अभी भी मैं बहुत ज़्यादा स्किनी नहीं हूँ, होना भी नहीं चाहती, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंडरवेट होके मुझे कोई मॉडलिंग तो करनी नहीं है। तो बट आई एम फिट एंड एक्टिव, इतनी फिट हूँ कि अपनी केयर कर सकती हूँ, अपनी फैमिली की टेक केयर कर सकती हूँ, तो बस उतना ही काफ़ी होता है। अगर मैं एक्सरसाइज ना करूँ तो शायद हमेशा ही ओवरवेट रहूँ। बाकी मैंने अपनी लाइफ में बहुत से डाइट प्लान्स फॉलो किए हैं, क्योंकि पता नहीं था, कभी लगता था कि भूखे रहने से वेट कम होता है, कभी लगता था कि बहुत सारी एक्सरसाइज करने से वेट कम होता है। फिर बाद में जब पता चला कि 80% रोल हमारी डाइट प्ले करती है और 20% हमारी एक्सरसाइज प्ले करती है, तो फिर दोनों को बैलेंस करना सीखा। यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी, जो खाना हम बचपन से खाते आ रहे हैं उसे कभी ना छोड़ें। कोई भी ऐसा डाइट प्लान फॉलो ना करें जो आपको आपकी रूट्स से अलग कर दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो खाना आप खाते आ रहे हैं बचपन से वही खाते रहें। सिर्फ अपना पोषण चेक करें और अपने खाने को बहुत चबा के खाएं, इतना चबा के खाएं कि वो उसका मुंह में ही जूस निकल जाए। तो ये बहुत हेल्प करता है, 50% तक यही हेल्प कर देता है आपको वेट लॉस करने में, क्योंकि आप बहुत स्लो खाना खाते हैं और आपका ओवर ईट करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, आप ओवर ईटिंग करना बंद कर देते हैं। तो बस यही हेल्दी रहने का एक बहुत ही मेन फॉर्मूला है। एक मेरी किचन टिप्स वाली वीडियो जिसमें मैंने कुछ मील प्लान्स बताए थे कि कैसे आप चीज़ों को फ्रीज करके उनको इमरजेंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो उस पर मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिसमें लिखा है कि इस तरह का जीरो न्यूट्रिशन वाला फूड आप कैसे खा सकते हैं, या अगर आप अनियन को कट करके रखते हैं तो वो पॉइजनिक हो जाता है। तो गाइस, ऐसे होता है कई बार आधी अधूरी नॉलेज हमारे मन में डर पैदा कर देती है और वो चीज़ें जो हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो कहीं से हम एक आर्टिकल पढ़ लेते हैं या कहीं से कुछ सुन लेते हैं तो बस उसी को सच मान लेते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल गलत हैं, कहीं गलत मैं भी हो सकती हूँ, बट ये भी है कि मुझे भी अपनी हेल्थ की चिंता है। मैं भी किसी चीज़ को यूज़ करने से पहले उस पर पूरा स्टडी करती हूँ, कम से कम 10 आर्टिकल उसके रिगार्डिंग पढ़ती हूँ, तब जाके उस चीज़ को यूज़ करती हूँ। तो अगर हम बात करें वेजिटेबल्स को ब्लांच करके फ्रीज करने की, तो आप सब कहते हैं कि उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, तो उसको खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल झूठ है कि उसमें ज़ीरो न्यूट्रिशन रह जाता है। जब भी हम वेजिस को ब्लांच करते हैं तो कुछ हद तक कुछ वाइटामिन जो हैं वो उस पानी में चले जाते हैं जिसमें हम उसको बॉयल करते हैं, तो उस पानी को आप एज ए वेजिटेबल स्टॉक यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपने देखा होगा कि उस वीडियो में मैंने वेजिटेबल्स को ब्लांच करने के बाद इमीडिएटली चिल्ड वाटर में डाल दिया था। तो जब हम उसको चिल्ड वाटर में डाल देते हैं तो उसके बहुत सारे विटामिन जो हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं। कुछ विटामिन डिक्रीज होते हैं जब हम बॉयल करते हैं,
एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें एज इट इज रहते हैं, फाइबर एज इट इज रहता है, कार्ब्स है, बहुत सारे मिनरल्स हैं जो एज इट इज रहते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर कुछ विटामिन डिक्रीज हो भी जाते हैं तो बाकी के तो उसमें प्रिजर्व हो जाते हैं। तो बाकी हम उस चीज़ को रेगुलर यूज़ के लिए मैंने नहीं बोला है कभी भी कि आप उन सब्जियों का ही इस्तेमाल करें। डेली में हम फ्रेश कट करके ही सब्जियाँ इस्तेमाल करते हैं, वही करनी चाहिए। वो सिर्फ एक इमरजेंसी के लिए है कि अगर आपको कहीं जाना है जल्दी है या आप कहीं बाहर से थके हुए आए हैं, मैंने उस वीडियो में कहा भी है, तो उस टाइम पे आप हेल्दी फूड ऑप्शन ले सकते हैं। वैसे भी तो कई बार हम जब थके होते हैं या जब कई बार जल्दी में होते हैं तो हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, तो हम सब जानते हैं कि वो कितना हाइजीनिक फूड होता है और कितना न्यूट्रिशन होता है उसमें। तो बेटर है कि अगर आप लेस न्यूट्रिशन ले रहे हैं लेकिन अपने घर का हाइजीन फूड खा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। तो सेकेंड चीज़ है अनियन को कट करके रखने की। अनियन को भी हम कट करके रखते हैं तो पॉइजन उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें पॉइजन आ जाता है। बस इतना है कि कोई भी कटी हुई चीज़ बैक्टीरिया कैच करती है, तो हमने उसको काट के जब हमने फ्रीज कर देना है तो उसमें बैक्टीरिया कहाँ से आएगा। आपने देखा होगा कि फ्रीज की हुई चीज़ें बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होती हैं। तो क्यों खराब नहीं होती हैं? क्योंकि फ्रीजिंग प्रोसेस एंजाइम्स की एक्टिविटी को सस्पेंड कर देता है, तो जिससे चीज़ें खराब होने से बच जाती हैं। तो फ्रीज़ की हुई चीज़ें ना तो खराब होंगी और ना ही उनके विटामिंस जो हैं वो वॉश आउट होंगे। और अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज़ में रहने वाले लोगों की, तो वहाँ पे लाइफ इतनी फास्ट है कि वहाँ पे इतना टाइम ही नहीं होता किसी के पास कि वो डेली वेजिटेबल्स कट करके उनको खाए। अगर वो डेली इस तरह का ज़ीरो न्यूट्रिशन फूड खाते हैं तो फिर उनकी हेल्थ इतनी अच्छी कैसे होती है? क्यों वो लोग हमसे ज़्यादा फिट और हेल्दी होते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है, डर अपने मन से निकालें। डेली में ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें लेकिन इमरजेंसी के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ये सेफ है। एक कॉमन क्वेश्चन ये भी है कि आप अपनी हेल्थ की इतनी केयर करती हैं और आप पूरी तरह से फिट भी हैं, तो फिर आप बच्चे आपके ओवरवेट क्यों हैं, बच्चों की केयर क्यों नहीं करती हैं? तो मैं बच्चों की केयर नहीं करती हूँ, ये बात तो हजम नहीं होती है। बाकी वो बच्चे हैं, ना चाहते हुए भी दूसरे बच्चों को देख के वो उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते हैं जो शायद उनके लिए ठीक नहीं है, लाइक चॉकलेट्स या फिर जंक फूड। बात करें फिजिकल एक्टिविटी की, तो बच्चे सोचते हैं कि आजकल पढ़ाई का इतना प्रेशर है हमारे पे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं हम, तो हमारे में इतनी एनर्जी नहीं है कि हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकें। मेरे ख्याल से उनका ये सोचना बिल्कुल गलत है। थोड़ी बहुत एक्टिविटी तो की जा सकती है लेकिन कोई बात नहीं, वो बच्चे हैं अभी नहीं समझ रहे हैं, एक टर्निंग पॉइंट आता है सबका, उनका भी आएगा। मेरी ड्यूटी है उनको गाइड करते रहना, विच आई एम डूइंग प्रॉपरली एंड वी शुड नेवर लूज होप। मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ तो वो भी होंगे, मेरे बच्चे हैं तो सोच बिल्कुल मेरे जैसी ही होगी, ऐसा नहीं होता है। सबकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है। मैंने बहुत सारे डाइटिशियंस को ऐसे देखा है जिनके फैमिली मेम्बर्स अनफिट होते हैं। तो अगर बात करें हम डाइटिशियन की, तो उनको तो खाने की पूरी नॉलेज होती है कि क्या कितना कब और कैसे खाना चाहिए, तो फिर उनके फैमिली मेम्बर्स अनफिट कैसे हो सकते हैं? वो इसीलिए कि सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, अपना टेस्ट है, तो कोई क्या करना चाहता है क्या नहीं, हम उसे फोर्स नहीं कर सकते। आई एम पुटिंग माई एफर्ट्स, बच्चे हैं तो समझते समझ जाएंगे। ये जो क्वेश्चन मैं अभी ले रही हूँ ये कॉमन क्वेश्चन नहीं है, ये किसी एक ही पर्सन ने मुझे पूछा था, लेकिन मुझे लगा कि अगर उनको कुछ डाउट है तो मुझे इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे लेके उस डाउट को क्लियर कर देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन था कि आप उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा था कि मैम आप बहुत फिट हैं, बहुत अच्छी हैं, मुझे आपकी वीडियोस काफ़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे आपकी एक बात अच्छी नहीं लगी। आपने लिखा है कि हम ज्वाइंट फैमिली हैं, तो सिर्फ आपके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ आपके साथ रहते हैं, तो क्या आप उनको ज्वाइंट फैमिली मानते हैं? ये भी लिखा था कि अगर आपका ब्रदर आपके पेरेंट्स के साथ रहता है तो क्या आप उसे ज्वाइंट फैमिली कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ज्वाइंट फैमिली ही कहूँगी मैं उसे। तो यहाँ हम मेनली देखें इंडिया में तो दो तरह की फैमिलीज ही मेन होती हैं, न्यूक्लियर फैमिली एंड ज्वाइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में मदर, फादर और उनके अनमैरिड बच्चे होते हैं तो वो न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है, लेकिन जब उन बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं और आगे उनकी फैमिली बढ़ जाती है तो वो ज्वाइंट फैमिली कहलाती है। सो इन शॉर्ट, जिस घर में दो से ज़्यादा पीढ़ियाँ यानी कि तीन पीढ़ियाँ एक साथ रह रही हों उसे हम ज्वाइंट फैमिली ही कहें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं और हमारे बच्चे हैं, तो आज हम न्यूक्लियर फैमिली कहलाते हैं। इन फ्यूचर जब बेटे की शादी होगी और उसकी फैमिली आगे बढ़ेगी तो हम ज्वाइंट फैमिली बन जाएंगे। वर्ड ज्वाइंट फैमिली इज़ नॉट अ बैड वर्ड, ये कोई गाली नहीं है। ज्वाइंट फैमिली में रहना एक ऑनर की बात होती है। जब हम अपने बुजुर्गों के साथ रहते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो एक ऑफिशियल वर्ड है ये ज्वाइंट फैमिली, ये कोई बुरी बात नहीं है। और हाँ, मेरा भाई अगर मेरे पेरेंट्स के साथ रहता है, जो कि रहता भी है, तो वो ज्वाइंट फैमिली ही कहलाती है, उसे कहने में कोई शर्म की बात नहीं। तो बस यही थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप माई क्वेश्चन लिख के आगे अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं।
जो भी कॉमन क्वेश्चंस होंगे या जो मुझे लगेंगे कि हाईलाइटेड हैं, ये मुझे इनको रिप्लाई करना चाहिए, अपनी वीडियो में लेना चाहिए, तो मैं ज़रूर आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगी। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।